लोकसभा चुनावों के पहले और दूसरे चरण में देश के 102 संसदीय क्षेत्रों में 66 फीसदी से अधिक हुआ मतदान। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए आंकड़े। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर। कोरबा के कटघोरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल चुनावी प्रचार अभियान में पहुंचे रायगढ़। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया सभी वर्गों के लिए फायदेमंद। और प्रदेश के अधिकतर इलाके भीषण गर्मी की चपेट में। आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं थानेन्द्र साहू। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के पहले और दूसरे चरण के लिए कुल मतदान का प्रतिशत जारी कर दिया है। इन दोनों चरणों में देश के 102 संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले गए थे। आज जारी आयोग के आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। आयोग ने बताया कि पहले चरण में 66.22% पुरुष मतदाताओं, 66.7% महिला मतदाताओं और 31.32% थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने वोट डाला, जबकि दूसरे चरण में 66.99% पुरुष मतदाताओं, 66.42% महिला मतदाताओं और 23.86% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश के जिन 7 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वहां तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में शामिल बेमेतरा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कमीशनिंग का कार्य किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर शर्मा ने इन तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मतदान की तैयारी करते हुए बीयू में बैलेट पेपर लगाए गए और पिंक पेपर से इसे सील कर दिया गया। वहीं वीवीपैट में चुनाव चिन्ह संलग्न किया गया है। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक पोल किया गया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सजगता से दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने मतदान की तैयारियों के बारे में जानकारी भी ली। दुर्ग लोकसभा में बेमेतरा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र साजा, बेमेतरा और नवागढ़ में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए पहले ही मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लोकसभा चुनाव में 100% चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वीप के तहत राज्य भर में जन जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को मतदान के लिए न्योता पाती दिया जा रहा है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक मंगली बाजार गौरेला के साथ ही उत्सव मेला गौरेला में घूम घूम कर मतदाताओं को आगामी 7 मई को अपने मताधिकार का अवश्य उपयोग करने के लिए न्योता पाती दिया। उन्होंने मंगली बाजार गौरेला में सब्जी, फल, अनाज व्यवसायी सहित सभी वर्ग के मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। न्योता पाती पाकर मतदाता भी काफी खुश हैं। इसी तरह सूरजपुर में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नए नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत न केवल मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई जा रही है बल्कि मशाल रैली निकालकर मतदान का संदेश भी दिया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता को न्योता पाती के माध्यम से वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही सूरजपुर और विश्रामपुर रेलवे स्टेशन में ऑडियो क्लिपिंग के माध्यम से मतदाता जागरूकता संदेश का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें अनाउंसमेंट के माध्यम से जिले के सभी मतदाताओं से मतदान दिवस 7 मई को अपने तय मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की जा रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए राज्य में प्रचार अभियान चरम पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री ने आज कोरबा के कटघोरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने पर आने वाले 2 सालों के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मी लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। उन्होंने लोगों से कोरबा लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में समर्थन मांगा। ये बताओ छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा, विजय हमारे विष्णु देव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे, महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम, 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सर। मैं आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी ने झारखंड बिहार ओडिशा तेलंगाना आंध्र महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। 36 कि यहां का की सरकार थी। अपने संबोधन में श्री शाह ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने प्रचार अभियान के तहत रायगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह के पक्ष में वोट दें। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा पर भ्रामक अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। अच्छा माहौल लोगों के बीच में, आज सबसे बड़ी बात संविधान की जो खतरा मंडरा रहा है, संविधान को बदलने की जो बात कर रही है और लगातार सफाई पे सफाई दिए जा रहे हैं, तो ये इस बात का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत मुद्दे पे हाथ डाल रही है। उनका पहला मुद्दा 400 पार वो खत्म हो गया, दूसरा वो जो घोषणा पत्र में कांग्रेस में नहीं था वो मुस्लिम लीग और मंगल सूत्र पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो भी खत्म हो गया। अब तीसरा ये आरक्षण के बारे में, बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएंगे तो बदल नहीं सकते, मतलब आप उससे भी बड़े हो गए। इतना अहंकार प्रधानमंत्री जी का, तो ये अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके पैरों की जमीन, पैरों तले जो जमीन है वो खिसकती जा रही है, ये बात दो चरणों के चुनाव से स्पष्ट। श्री बघेल ने यह भी कहा कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिच गई लोकसभा चुनाव के निशान, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट, देखिए जनादेश सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में संदिग्ध वस्तुओं और लेनदेन के खिलाफ छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में सारंगढ़ बिलाईगढ़ में FCT VST और जिला पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक वाहन से 18,50,000 रुपये बरामद किए हैं। टीम ने सालर के पास आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान उड़न दस्ता टीम ने एक कार से छानबीन के दौरान यह रकम बरामद की।
पूछताछ के दौरान कार चालक इस रकम को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इससे पहले आरंग पुलिस ने भी रायपुर से ओडिशा जा रहे एक पिकअप वाहन से करीब 50 लाख रुपए बरामद किए। यह रकम आलू की बोरियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही थी। राजनांदगांव जिले के तिलई गांव में कल एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। मिली जानकारी के अनुसार तिलई गांव के एक ही परिवार के सदस्य बस का इंतजार करते सड़क किनारे बैठे हुए थे। इसी दौरान खैरागढ़ की ओर से तेज गति से आ रही सीमेंट से भरे हाईवा ने इन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना स्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और उनकी बेटी तथा नातिन शामिल हैं। घटना के बाद वाहन चालक भाग निकला। स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने राजनांदगांव खैरागढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म किया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। तो मैं YouTube Facebook देख रहा था, टाइम मालूम है मुझे 4:02 था। मम्मी दौड़ते दौड़ते गई, बाजू में पड़ोसी है मेरे, उनको काका काका बोलते हैं, वो पूनाराम काका के एक्सीडेंट हो गए। फिर दौड़ते लोग सब आए, जब आए तो लाश बुरी स्थिति में पड़ी थी और हम लोग 6-7 लोग दौड़े थे। फिर सब भीड़ इकट्ठा हो चालू हुआ, महिला लोग भी पीछे पीछे आए थे। इसमें 3 महिला है और एक पुरुष है जो मरी थी उसमें। कहाँ जाने के लिए निकले थे ये लोग? सर उसके लड़के बता रहे थे कि टप्पा ये लोग ना छठी कार्यक्रम में जाने के लिए निकले थे, बस के इंतजार कर रहे थे, अचानक से गाड़ी आई है। अब इस पार्ट में देखेंगे, दौड़ते आए हैं, कौन सी गाड़ी पता भी नहीं है। नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि तत्काल प्रभाव से दी जा रही है। आज खैरागढ़ की तरफ से एक वाहन आ रही थी सीमेंट से लदी हुई ट्रक की, उसके द्वारा तिलई गांव के ठीक ही परिवार के 4 सदस्य जो पथ का वेट कर रहे थे उनका एक्सीडेंट कर दिया गया है। 4 रोड की प्रशासन के द्वारा जो तत्काल सहायता राशि होती है वो इनको हम दिलवा रहे हैं। इनका ये मांग है कि हमें जो ट्रक ऑनर है उसे भी कुछ आर्थिक सहायता चाहिए, तो हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नियम कार्य हो सकता है वो करते जल्दी से जल्दी कार्य को। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से इस घटना में एक मवेशी की भी मौत हो गई। अप्रैल में सकल वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में अब तक का सबसे अधिक 2,10,000 करोड़ रुपए का संग्रह दर्ज किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वार्षिक आधार पर 12.4% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल में रिफंड के बाद शुद्ध सकल वस्तु सेवा कर GST राजस्व 1,92,000 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17% अधिक की वृद्धि है। इन दिनों प्रदेश में अधिकतर इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। तेज धूप और बढ़ते पारे से लोग हलाकान हैं। प्रदेश में आ रहे नम हवाओं का असर खत्म हो चुका है और इसके कारण आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। इसकी वजह से राज्य के कई इलाकों में पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। इसके बाद तापमान में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे गर्म डोंगरगढ़ रहा, जहां सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान नारायणपुर में 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते दिनों प्रदेश में 1-2 जगह पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। कटक, कल्याण और जगदलपुर में बारिश होने की वजह से तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है। इन जगहों पर आज सुबह से तेज धूप निकली हुई है। इसी तरह राजधानी रायपुर में सुबह से ही तेज धूप के साथ भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, बिहार और झारखंड में आज और कल भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।